सो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। सो चलिए वीडियो को जल्द करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन आइलैंड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे इस छोटे से आइलैंड पे जहाँ पे बस एक ही ट्री था, और भाई यहाँ पे लीव्स तोड़ रहा था और उसको यहाँ पे मिल गया एक सैपलिंग, और सैपलिंग की भाई हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो ये तो हम लोग को फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। देन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वुड काट लिए, और दूर में हम लोग को और एक आइलैंड स्पॉट हुआ जो कि इस आइलैंड से बड़ा था, बट वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था और वहाँ पे भी हम लोग कभी ना कभी फ्यूचर में जाएंगे। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना आइलैंड देखा जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था, एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत लीव्स काटी, देन सारे वुड को हम लोगों ने यहाँ पे प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, एंड यहाँ पे दो वुडन पिकैक्स भी बना लिए। सो उसके बाद मैंने भाई को भी उसका वुडन पिकैक्स दे दिया, एंड भाई को यहाँ पे एक केव मिला था पानी के अंदर जहाँ पे उसको आयरन ओर दिख रहा था, तो मैं नीचे गया और यहाँ पे आयरन ओर के साथ कोल भी था, मतलब ये केव हम लोग को बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। देन मैंने भाई को उसका वुडन पिकैक्स दे दिया और मैं भी चला गया यहाँ पे कुछ कॉबलस्टोन तोड़ने के लिए, जैसे कि हम लोग पूरा कॉबलस्टोन का टूल्स बना पाए। सो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर तक माइनिंग की, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे इनफ कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए, जैसे कि एक्स, पिकैक्स, शॉर्ड और सवल। सो उसके बाद मैंने भाई को उसका कॉबलस्टोन का पिकैक्स दे दिया, एंड देन यहाँ पे एक फर्नेस भी बना लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आयरन और स्मेल्ट भी करना था फ्यूचर में, देन चला गया माइनिंग करने के लिए। सो यहाँ पे पानी में आयरन ओर कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, तो हम लोगों ने यहाँ पे पानी को कुछ हद तक बंद करने की कोशिश की सैंड के साथ, मगर ज्यादा बंद नहीं कर पाए, बट इनफ था। सो उसके बाद हम लोगों ने कुछ यहाँ पे आयरन ओर एंड यहाँ पे कोल काट लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, और आते हुए हम लोग को दिखा कि भाई रात हो रही है, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने फर्नेस प्लेस किया एंड कोल्स हम लोगों ने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। सो यहाँ पे पूरी रात भर हम लोग मॉब से लड़े एंड ऐसे करके पूरा रात हम लोगों ने गुजार दिया, और आप देख सकते हो हम लोग का हंगर बार भी कितना ज्यादा कम है, तो हम लोग चले गए डायरेक्टली यहाँ पे फिश मारने के लिए। मतलब यार इस पूरे वर्ल्ड में खाने का एक ही बस अच्छा सोर्स है जो कि है फिश, और आप देख सकते हो हम लोग का हेल्थ बार कितना ज्यादा डाउन है, मतलब एक हिट और हम लोग का वर्ल्ड गायब हो जाएगा। सो उसके बाद हम लोगों ने संभल संभल के थोड़े बहुत फिशेस कलेक्ट की, सबको स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, मैंने भाई को कुछ उसका फिश दे दिया, मैंने भी ले लिया, एंड देन हम लोगों ने खा लिया। तो भाई फिश खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो सैपलिंग प्लेस की थी उसका ट्री उग गया था, देन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वुड चॉप कर लिए क्योंकि वुड इस आइलैंड में बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो यहाँ पे पहले जो हम लोगों ने आयरन माइन की थी उसको जल्दी से जल्दी हम लोगों ने पिकैक्स बना लिया, और एक पिकैक्स मैंने भाई को भी दे दिया जैसे कि हम लोग अच्छे से माइनिंग कर पाए और डायमंड भी खोज पाए। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत और ट्रीज काटे, और उसके बाद हम लोग का फूड सोर्स फिर से खत्म हो गया था, तो हम लोग चले गए थे फिर से यहाँ पे फिश मारने के लिए, एंड बहुत सारे फिश मारने के बाद उसको कुक होने के लिए दे दिया। तो यहाँ पे मछलियाँ कुक होने के बाद मैंने भाई को भी उसको कुछ मछलियाँ दे दी क्योंकि उसका भी हंगर बार बहुत ही ज्यादा लो था मेरे जैसा ही, एंड उसके बाद हम लोगों ने फिश खा लिया, और उसके बाद हम लोग के पास जो आयरन था उसको हम लोगों ने स्मेल्ट करने के लिए दे दिया, एंड आयरन स्मेल्ट होने के बाद हम लोगों ने एक एक शील्ड बना लिया। अब गाइस अपने इन्वेंट्री में मतलब सामान जो है वो फुल होने लगा था और अपना इन्वेंट्री भी भर गया था, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे दो चेस्ट बना लिए एंड चेस्ट में सारे फालतू के सामान रख दिए। अब गाइस फाइनली अपने पास सब कुछ था, खाना भी था, पिकैक्स भी थे, और बाकी सब था जो कि हम लोग को माइनिंग के लिए जरूरत लगने वाली है, तो जल्दी जल्दी हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। सो यहाँ पे माइनिंग करते वक्त हम लोग को बहुत सारे ओर मिले, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे आयरन ओर मिले, एंड देन हम लोग को बहुत सारे कोल भी मिले, एंड माइनिंग करते वक्त एक हम लोग को केव भी मिल गया जिसमें भर भर के रिसोर्सेस थे। बट यार ये माइनिंग ट्रिप में हम लोग को एक भी डायमंड नहीं मिला क्योंकि हम लोग ज़्यादा लो लेवल तक गए नहीं थे, क्योंकि अपने पास बहुत ही कम आर्मर था और एक हिट से हम लोग मर सकते हैं। देन माइनिंग करते वक्त हम लोग का यहाँ पे एक क्रीपर एंड स्केलेटन के साथ सामना हो गया, तो उनको हम लोगों ने ईजिली मार दिया था, एंड केव के अंदर जाने पर हम लोग को और भी ज़्यादा आयरन एंड कोल मिल गए। सो यहाँ पे इनफ आयरन एंड कोल माइन करने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, एंड ऊपर आने से हम लोगों ने क्या देखा भाई, यहाँ पे एक वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका है, तो हम लोगों ने उसका ट्रेड चेक किया, बट वो हम लोग को बहुत ही ज्यादा घटिया ट्रेड दे रहा था, तो हम लोगों ने उसके साथ क्या किया भाई, मतलब घर आए मेहमान के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका स्वागत किया। तो यहाँ पे लगता है कि वंडरिंग ट्रेडर हम लोग के घर से अच्छा खुश नहीं था, इसलिए वो अपना घर चला गया, बट उसकी कोई बात नहीं, हम लोगों ने उसको जाने दिया, एंड देन यहाँ पे जितने सारे आयरन के ओर मिले थे सबको हम लोगों ने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। सो यहाँ पे और एक जमीन था छोटा सा जहाँ पे हम लोगों ने सारा अपना सैपलिंग को प्लेस कर दिया था, एंड अपने सारे यहाँ पे ट्रीज जो है वो ग्रो हो चुके थे, तो सबका हम लोगों ने वुड को काट लिया। एंड हम लोग यहाँ पे फिश मार मार के बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे फार्मिंग किया जाए, और ये बहुत ज्यादा इजी ऑप्शन भी रहेगा क्योंकि अपने पास बहुत सारे बोन मील भी हैं। सो अपने फार्म में यहाँ पे जल्दी से बोन मील मार के हम लोगों ने सारे अपने क्रॉप को बड़ा कर लिया।
तो यहाँ पे काफी देर के बाद सारे अपने आयरन और यहाँ पे हो गए थे स्मेल, तो जल्दी जल्दी मैं गया और यहाँ पे अपने आयरन के आर्मर एंड टूल्स बना लिए। सो ये आयरन के टूल्स एंड आर्मर्स हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगने वाले हैं, क्योंकि भाई अपने पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है एंड यहाँ पे एक स्केलेटन का हिट से हम लोग का 3-3 हार्ट जा रहा है, तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। सो आप फाइनली देख सकते हो अपने पास आयरन आर्मर भी आ चुका है और भाई आयरन आर्मर पहनने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा मस्त फील हो रहा है। देन उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ काटने के लिए, और पेड़ काटने के बाद हम लोग का प्लान था यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बनाने का, जैसे कि हम लोग को इन्फिनाइट बोन मील मिल सके जिससे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप ग्रो कर सके। सो यहाँ पे पेड़ काटने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने एक्सपी फार्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉबल स्टोन लगने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं अपने पास कितने ज़्यादा कॉबल स्टोन है, और ये भी हम लोग को लगता है इनफ नहीं होंगे एक्सपी फार्म बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं। सो एक्सपी फार्म बनाने के पहले यहाँ पे अपना एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हम लोगों ने अपना एरिया को पहले एक्सपैंड किया एंड देन यहाँ पे ट्री फार्म भी बना दिया। सो उसके बाद अपने पास 5 सैपलिंग थे, तो सबको हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी से जल्दी प्लेस कर दिया एंड अब टाइम था अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट करने का। तो जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चेस्ट बना लिए एंड देन यहाँ पे 4 हॉपर भी बना लिए एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपी फार्म बनाने के लिए। सो हम लोग का एक्सपी फार्म यहाँ पे साइड में होने वाला था, जो कि एक परफेक्ट प्लेस है एक्सपी फार्म होने का, और ये एक्सपी फार्म बहुत ही ज़्यादा ओपीली इस वर्ल्ड में काम करने वाला है, क्योंकि हर एक जगह से पानी है तो मॉब स्पॉन हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम किया, और ये एक्सपी फार्म हम लोगों ने बहुत बार बना लिया है, तो ये इजी था इस बार बनाने का। एंड देन फाइनली बहुत देर तक एक्सपी फार्म बनाने के बाद अपना एक्सपी फार्म फाइनली यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट, और ये बहुत ही ओपीली वर्क कर रहा था। मतलब हम लोग जस्ट नीचे और आप देख सकते हैं कितने सारे मॉब जमा हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक मॉब्स को मारा एंड लेवल कलेक्ट किए, एंड लेवल कलेक्ट करते के साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग भी मिल गए, जिसका हम लोगों ने जल्दी जल्दी वूल बनाया एंड देन हम लोगों ने 2 बेड भी बना लिए। मतलब गाइस ये सब बेनिफिट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपी फार्म बनाया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को इन्फिनाइट बोन भी मिल सके एंड यहाँ पे स्ट्रिंग भी मिल सके। तो अब अपने पास यहाँ पे आर्मर था, एक्सपी फार्म था एंड बाकी सब कुछ थे, बट यहाँ पे अपने पास एक भी डायमंड नहीं था, तो हम लोग चले गए सीधा डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड गाइस सच बताओ तो पता नहीं क्यों यहाँ पे हम लोग को इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इजीली डायमंड्स मिल रहे थे। मतलब लिटरली 5-5 मिनट के अंदर हम लोग को 6-4 डायमंड्स मिल रहे थे। सो यहाँ पे जस्ट 1 घंटे माइनिंग ट्रिप के बाद हम लोग के पास आप देख सकते हो कितने ज़्यादा डायमंड है, और ये डायमंड हम दोनों ने मिल के कलेक्ट किया, तो भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी था। सो डायमंड कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डायमंड का आर्मर बना लिया एंड कुछ टूल्स भी बना लिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग पूरा प्रोटेक्टेड रहे। एंड देन उसके बाद मैंने भाई को उसका डायमंड आर्मर दे दिया एंड टूल्स भी दे दिया, और हम लोगों ने पहन लिया। और आप देख सकते हो डायमंड आर्मर पहनने का भाई एक अलग ही मजा होता है। सो अपने पास अब डायमंड का आर्मर भी था और हम लोग प्रिपेयर्ड भी थे यहाँ पे नेदर में जाने के लिए, तो हम लोग चले गए यहाँ पे केव में एंड देन बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन कर लिए। एंड ऑब्सीडियन माइन करने का और एक यहाँ पे रीजन था, जैसे कि हम लोग एंचेंटमेंट टेबल बना पाए एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एंचेंटमेंट भी कर पाए। सो गाइस यहाँ पे ऑब्सीडियन माइनिंग करने गए थे हम लोग, और जब हम लोग ऊपर है तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 काउ स्पॉन हो गए। मतलब ये देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई 2 काउ स्पॉन हो गए, क्योंकि ये हम लोग का फूड सोर्स अच्छा बनेंगे। सो उसके बाद जल्दी से हम लोगों ने बहुत सारे फेंसेस बना लिए एंड यहाँ पे एक एरिया भी हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, जहाँ पे हम लोग काउ का फार्म बना सके। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने फेंसेस भी लगा दिए एंड फेंस लगाने के बाद अपना काउ फार्म हो चुका था रेडी। सो काउ फार्म यहाँ पे रेडी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे काउ को फार्म में लाया एंड देन उन दोनों को ब्रीड करवा दी और मैं चला गया बाहर। सो गाइज अब अपना काउ फार्म हो चुका था रेडी, अब हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा फूड सोर्स भी मिलने वाला है एंड लेदर भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज फाइनली हम लोग का काउ फार्म रेडी होने के बाद अब हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाने का, बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, बट डर को साइड में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे नेदर पोर्टल को बना दिया। देन हम लोगों ने नेदर पोर्टल को फाइनली लाइट अप कर दिया और हम लोग चले गए यहाँ पे नेदर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो हम लोग थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नेदर में स्पॉन हो चुके थे, और नेदर में स्पॉन होने के पास में हम लोग के पास क्या था भाई, एक बैशन, मतलब पूरा का पूरा बैशन था अपने पास, और हम लोग इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। सो यहाँ पे पिगलिन ब्रूट्स होते हैं बैशन में, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा डैमेज करते हैं, तो हमने यहाँ पे लावा बकेट लिया और उनको लावा से जला दिया। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चेस्ट को लूटा, चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट थी, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। और तो और भाई एक चेस्ट में यहाँ पे गोल्डन कैरेट्स एंड एक यहाँ पे पिकैक्स भी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी था।
सो उसके बाद हम लोग चले गए बैस्टियन के सेंटर में और यहाँ पे बहुत सारे ब्रूट थे तो उनको भी मार दिया। एंड देन फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक नेदर वॉट मिल गया जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा यूजफुल लगने वाला है। एंड यहाँ पे एक चेस्ट भी मिल गया। सो यहाँ पे चेस्ट को लूटने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए। एंड गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। एंड बहुत देर के ढूंढने के बाद हम लोग को फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया। सो यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस के आने के साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया। एंड ब्लेज स्पॉनर में हम लोग ने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा। देन हम लोग चले गए चेस्ट ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे चेस्ट ढूंढने के वक्त हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेदर वॉट्स मिल गए। अब हम लोग के पास पहले से नेदर वॉट्स थे बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहे थे तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। देन थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक चेस्ट मिल गया और चेस्ट को हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। एंड देन फाइनली हम लोग आ गए अपने नेदर पोर्टल के पास। सो नेदर में अपना अभी के लिए काम जो वो हो चुका था कंप्लीट, जैसे कि हमने एक बैस्टियन लूट लिया, नेदर फोर्ट्रेस भी लूट लिया। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने सारे के सारे सामान को अपने चेस्ट में रख दिया। सो यहाँ पे हम लोग अपना बाकी सब काम कर ही रहे थे और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे एक साथ दो जॉम्बी विलेजेस आ गए और इनको देखने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि जॉम्बी विलेजेस की हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देन उसके बाद हम लोगों ने जॉम्बी विलेजेस को बोट में बैठा दिया जैसे कि हम लोग उनको ईजिली क्योर कर पाए। बट उनको क्योर करने के लिए हम लोग को यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस चाहिए तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारे सामान ले लिए। देन यहाँ पे हम लोगों ने ऑकवर्ड पोशन बनाना स्टार्ट कर लिया और हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे ऑकवर्ड पोशन से पोशन ऑफ वीकनेस बनता नहीं है तो हम लोग का यहाँ पे पोपट हो गया था। बट यहाँ पे कोई बात नहीं, तीन ऑकवर्ड पोशन वेस्ट होने के बाद हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। एंड गन पाउंडर से उसको स्प्लैश पोशन भी बना दिया। एंड अपने पास यहाँ पे कुछ गोल्ड थे तो गोल्डन एप्पल भी बना लिए। देन हम लोगों ने यहाँ पे विलेजर्स को स्प्लैश पोशन दे दिया एंड एक एक गोल्डन एप्पल खिला दिया। तो अब बस यहाँ पे हम लोग को वेट करना था जब तक ये लोग नॉर्मल विलेजर्स ना बन जाए। बट यहाँ पे जब तक ये लोग नॉर्मल विलेजर्स बनते हैं तब तक हम लोग इनका घर बना लेते हैं। सो जैसे कि अपने पास यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे बिल्ड बनाने के लिए तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इनको फेंस से घेर दिया जाए और एक बड़ा सा एरिया बना दिया जाए जहाँ पे यहाँ लोग सेफली रह सकते हैं। सो हम लोगों ने वही किया, इनके लिए एक बहुत बड़ा एरिया बना दिया, फेंस उसको कवर कर दिया। एंड देन फाइनली सारे विलेजर्स यहाँ पे हो चुके थे क्योर और ये देख के हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। सो इसके बाद हम लोग चले गए क्राफ्टिंग टेबल में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कुछ बेड बना लेने का, बट अपने पास यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं थे तो थोड़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे मॉब्स को मारा। एंड इनफ स्ट्रिंग होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बेड प्लेस कर दिए। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लचिंग टेबल बनाया, उसको प्लेस कर दिया। एंड दोनों विलेजर्स को यहाँ पे जॉब दे दी और बहुत सारे ब्रेड भी खिला दिए। सो एक विलेजर हम लोग का यहाँ पे क्लेरिक बन गया था एंड एक विलेजर हम लोग का यहाँ पे बन चुका था फ्लेचर। अब दोनों के साथ ही हम लोग बहुत ज़्यादा इजिली ट्रेड कर सकते थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे स्टिक ले लिए एंड बहुत सारे रॉटन फ्लेश भी ले लिए। देन हम लोग चले गए इन दोनों के साथ ट्रेड करने के लिए और इन दोनों के साथ हम लोगों ने बहुत इजिली ट्रेड की क्योंकि हम लोगों ने इनको जॉम्बी से विलेजर्स में कन्वर्ट किया था तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सस्ते में डील दे रहे थे। सो क्लेरिक हम लोग का यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हम लोग को एंड अप पल देता है। एंड फ्लेचर हम लोग के पास इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हम लोग को बहुत सारे भर भर के एमरल्ड देता है। सो दोनों के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे भर भर के बहुत देर तक ट्रेडिंग कर ली। तो गाइस अब अपने को चाहिए था यहाँ पे एक लाइब्रेरियन जिससे हम लोग बहुत सारे बुक शेल्फ ट्रेड कर पाए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि अपने पास शुगर केन ही नहीं था तो हम लोग चले गए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। सो जैसे कि आपको पता है कि ये आइलैंड के पास पूरे के पूरे पानी से भरा हुआ है तो हम लोग को बहुत देर तक यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना पड़ा। एंड बहुत देर ढूंढने के बाद हम लोग को फाइनली एक जगह मिल गया जहाँ पे शुगर केन्स थे। तो ये शुगर केन्स को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारे शुगर केन्स को यहाँ से कलेक्ट कर लिया। एंड देन सारे शुगर केन को कलेक्ट करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। सो फाइनली यहाँ पे घर पहुँचने के बाद पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे एक शुगर केन प्लेस करने के लिए फार्म बनाया और ये फार्म हम लोग का एक्सी फार्म के सामने होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। सो अभी तक तो अपना आइलैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे सारे कुछ थे बट यहाँ पे घर नहीं था और बहुत सारे सामान जो है वो मिसिंग थे तो वो भी हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। तो शुगर केन फार्म यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने सारे शुगर केन को यहाँ पे प्लेस कर दिया जैसे कि ये बड़े हो पाए। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे काउस को बहुत देर तक फीडिंग करवाया और एक भी काउ को हम लोगों ने यहाँ पे मारा नहीं तो कितने ज़्यादा काउस हो चुके हैं। तो अब टाइम है इनको मारने का। मतलब हमें गाय को मारना अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या कर सकते हैं यार, मारना तो पड़ेगा। सो हम लोगों ने बहुत देर तक इनको मारा एंड बहुत देर तक इनको मारने के बाद अपने पास बहुत सारे फूड एंड बहुत सारे लेदर हो चुके थे। सो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे मॉब्स को मारा जैसे कि हम लोग के पास रॉटन फ्लेश हो जाए एंड उनको हम लोग ट्रेड कर पाए। एंड जब हम लोग ट्रेड करने जा रहे थे तब हमने देखा क्या भाई, यहाँ पे एक आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। मतलब गाइज आयरन गोलम स्पॉन होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है क्योंकि अब हम लोग फ्यूचर में बना सकते हैं एक आयरन फार्म।
सो बात की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, बट अभी का काम तो हम लोग के पास बहुत सारे एमरल्ड कलेक्ट करना है क्योंकि फ्यूचर में हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाले हैं। एंड यार अपने आइलैंड में यहाँ पे एक आयरन गोलम है और इसको हम लोग ना मारे ये कैसे हो सकता है, तो हम लोगों ने आयरन गोलम को मार दिया। सो यहाँ पे आयरन गोलम को मारने के बाद हम लोग चले गए अपने शुगर केन फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए। एंड अपने पास इनफ ऑफ शुगर केन था जिससे हम लोग पेपर बना पाए, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पेपर बनाए, बहुत सारे बुक्स बनाए एंड फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे एक लेक्टेन भी बना लिया। तो गाइस लेक्टेन बनाने के बाद हम लोग जल्दी से चले गए यहाँ पे विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। एंड एक विलेजर को हम लोगों ने लाइब्रेरियन बनाया और ये हम लोग को फायर एस्पेक्ट की बुक और बहुत सारे बुक शेल्फ भी दे रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ बहुत सारे बुक शेल्फ की ट्रेडिंग कर ली। अब गाइस अपने पास बुक शेल्फ भी था एंड अपने पास ऑब्सीडियन भी था, डायमंड भी थे एंड सब कुछ था, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने एक एंचैंटमेंट टेबल भी बना लिया एंड हम लोग चले गए एंचैंटमेंट टेबल को प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे एंचैंटमेंट टेबल प्लेस होने के बाद हम लोग चले गए अपना एंचैंटमेंट को चेक करने के लिए और अपना एंचैंटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे रहा था। मतलब यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग को लूटिंग दे रही थी एंड यहाँ पे हम लोग को पिकैक्स में अनब्रेकिंग मिल रहा था एंड अनब्रेकिंग लेने के बाद आप देख सकते हो हम लोग को क्या मिल गया। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना स्वॉर्ड भी इंचैंट किया एंड बहुत देर तक इंचैंटमेंट करने के बाद आप देख सकते हो अपना इंचैंटमेंट और आप देख सकते हो कितने ओपी इंचैंटमेंट है। मतलब सारे इंचैंटमेंट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ईजीली कर लिए क्योंकि लेवल्स तो मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये थे सब मेरे इंचैंट में, चलिए आपको एक बार भाई का इंचैंट भी दिखा देता हूँ और आप देख सकते हो कितने मस्त इंचैंट है, इसके भी बहुत ही ज़्यादा ओपी इंचैंट मिले। सो गाइज अब हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड थे एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए एंड एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए आपको चाहिए एंडर आई, तो हम लोग चले गए अपने क्लेरिक के पास ट्रेड करने के लिए। सो हमने लकीली क्लेरिक को वो विलेजर बनाया था जो कि हम लोगों ने जॉम्बी से विलेजर में कन्वर्ट किया था एंड ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सस्ते में एंडर पल दे रहा था, तो हम लोगों ने इसको कलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे एंडर पल मिलने के बाद हम लोग जल्दी से जल्दी चले गए एंडर पल को एंडर आई में कन्वर्ट करने के लिए एंड अपने पास यहाँ पे इनफ ब्लेज रॉड थे जिसका हमने ब्लेज पाउडर बनाया एंड अपने सारे एंडर पल को एंडर आई में कन्वर्ट कर दिया। सो उसके बाद हम लोग चले गए इसको थ्रो करने के लिए एंड लोकेट करने के लिए अपना स्ट्रांग होल्ड। सो गाइज जब हम लोग अपना स्ट्रांग होल्ड लोकेट कर रहे थे तब हमें पता चला कि इस वर्ल्ड में स्ट्रांग होल्ड है ही नहीं क्योंकि जब हम लोग एंडर आई थ्रो कर रहे थे तो ये कहीं जा ही नहीं रहा था। मतलब ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया क्योंकि हम लोग को जाना और एंडर ड्रैगन को हराना है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे एंड पोर्टल बनाना ही पड़ा। मतलब क्या कर सकते हैं यार, अब यहाँ पे एंड पोर्टल है नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया सारे एंडर आई यहाँ पे प्लेस करके एंड हम लोग फाइनली चले गए एंड के अंदर। मतलब यार ये एंड वाली बात के लिए हम लोग को माफ़ कर देना, हम लोगों ने ट्राई किया था बट हम लोग क्या कर सकते हैं यार, कुछ हुआ ही नहीं। सो गाइस यहाँ पे एंड में पहुँचने के बाद अपना फाइट एंडर ड्रैगन के साथ हो चुका था चालू और आपको पता है हम लोग कितने बड़े प्रो और कितने इजीली हम लोग एंडर ड्रैगन को हरा सकते हैं। सो पहले तो हम लोगों ने एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ना चालू कर दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडरमैन हम लोग को परेशान कर रहे थे। मतलब हर एक मिनट एक एंडरमैन आ जा रहा था हम लोग के साथ फाइट करने के लिए बट अपना ओपी डायमंड आर्मर की वजह से वो हम लोग को छू भी नहीं पाए। एंड फाइनली यहाँ पे सारे एंड क्रिस्टल्स फोड़ने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्ट एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए एंड अब तो एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जब वो नीचे आएगा तब हम लोग को उसके ऊपर अटैक करना है। सो ऐसे ही करके बहुत देर तक हम लोगों ने उसको हिट किया एंड फाइनली उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो गया था और हम लोगों ने अपना लास्ट दो शॉट का हिट मारा एंड फाइनली वो हो चुका था ख़त्म। सो गाइज एंडर ड्रैगन को हराने के बाद यहाँ पे एक अलग ही खुशी मिलती है। मतलब यार बहुत ही ज़्यादा प्रोनेस का फीलिंग आता और वो हम लोग को आ रहा था। सो उसके बाद रिवॉर्ड में मिलता है जो कि बहुत सारा एक्सपी, तो हम लोगों ने सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लिया। सो फाइनली यहाँ पे एंडर ड्रैगन हो चुका था डिफीटेड, अब हम लोग को जाना था अपना घर और मज़ा उठाना था। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंडर ड्रैगन को हराने के बाद। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को तो हरा दिया बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अपने पास एक भी घर नहीं था रहने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो अपने पास यहाँ पे एरिया ही नहीं था अपना घर बनाने के लिए, तो जल्दी से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एरिया बना दिया जैसे कि अपना आलीशान घर यहाँ पे बहुत ईजिली बन पाए। एंड फाइनली बहुत देर तक यहाँ पे मेहनत करने के बाद अपना एरिया यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी और एरिया बनाने में मतलब गाइज हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज लग गया। एंड जब तक हम लोग यहाँ पे एरिया बना रहे थे तब तक हम लोगों ने यहाँ पे सारे चीज़ों को स्मेल्ट होने भी दे दिया था और आप देख सकते हो अपने पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज है यहाँ पे घर बनाने के लिए। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना घर के ऊपर काम चालू कर दिया जैसे कि यहाँ पे स्टेयर्स हम लोगों ने बनाए एंड देन स्टेयर्स बनाने के बाद हम लोगों ने लॉक प्लेस किए एंड पूरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया एंड स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्लैंक्स भी प्लेस कर दिए जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपी लगे अपना घर।
एंड यहाँ पे बस हम लोग के पास एक ही टाइप का वुड था, ओक वुड, तो हम लोगों ने सिर्फ ओक वुड यूज़ किया, बट यार वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। एंड देन फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास प्लेन भी प्लेस कर दिए विंडोज़ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा था दिखने में। सो यहाँ पे फाइनली बहुत देर तक मेहनत करने के बाद अपना घर हो चुका था यहाँ पे रेडी, और आप देख सकते हो अपना घर यहाँ पे डिसेंट सा लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आप 10 में से इस घर को कितना रेट देना चाहोगे। बट गाइस इससे पहले कि आप घर को रेट दो, मैं आपको घर को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये अपना घर 2 फ्लोर का, ऊपर में हम लोग का स्टोरेज सिस्टम होने वाला है जहाँ पे हम लोग का सारा चीज़ें लगेगा, बट यहाँ पे कुछ ग्लासेस नहीं लगे थे तो हम लोगों ने ग्लास भी प्लेस कर दिए। और नीचे में हम लोग का फर्नेंस रूम एंड बाकी हम लोग का लिविंग रूम होने वाला है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं। मतलब यार हम लोग का घर भी बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा था। सो फाइनली ऐसे करके हमारे 100 डेज हो चुके थे यहाँ पे कंप्लीट। हमें बहुत मज़ा आया, अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये भी वीडियोस देख सकते हैं, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं।